पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 81 रन से हरा दिया है। इस जीत से रोहित शर्मा की टीम लोग की मौजूदा सीजन की क्वालिफायर टू में प्रवेश कर गई है। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। जवाब में लखनऊ 16.3 ओवर में 101 रन पर ऑल आउट हो गई है। टीम की ओर से कैमरून ग्रीन ने सबसे बड़ी 23 गेंदों में 41 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली है। उनकी इस पारी में 6 चौकी और 1 छक्का शामिल रहा है। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 26 और नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए निहाल बधेरा ने 12 गेंदों में 2 चौकी और 2 छक्कों की मदद से 23 रनों की अहम पारी खेली है। बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। मुंबई इंडियंस की इस कामयाबी में रोहित शर्मा की कप्तानी का सबसे बड़ा हाथ है। 2013 की मिड सीजन में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तान संभालने का मौका मिला। कप्तानी के पहले ही सीजन में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को विजेता बना दिया है। इसके बाद रोहित शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। 2014 में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ का सफर तय करने में कामयाब रही है। 2015-2017 और 19 और 20 में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की अगुवाई में ही आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। अब क्वालिफायर टू में मुंबई का मुकाबला 26 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस से होगा। इधर चेन्नई पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है।